बेटा, मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? मैम, हाउ आर यू मैम? मॉर्निंग मैम। बेटा आप लोग कैसे हो? आई एम फाइन, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। तो स्टोरी आप लोगों ने कुछ बनाया है मैम? आप सुनाएंगे क्या बेटा? मैम आप ही सुनाएं। मैं तो कल गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैं तो कल दो दो स्टोरी सुनाई थी मैम। आपने कहा था मैं एक सुनाऊंगी। हाँ मैम, आज हम लोग स्टोरी सुनाने हैं। हाँ आप ही लोग को सुनाना है। देखते हैं कि स्टोरी कैसे कैसे आप लोग बनाते हो। मैम मैं स्टोरी सुनाऊं? हाँ बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। अनुज सिंह। अनुज आपने तो सुनाया है ना। अच्छा ठीक है, आपको भी मौका मिलेगा, है ना। मैम मैं भी। मैं भी मींस यशराज। यस मैम। मैम मैं भी बोल रहा हूँ। तेरी भी कल कौन सुना रहा था? तो बीच में आशुतोष सुना रहे थे ना। आशुतोष। यस मैम। आर यू प्रेजेंट देयर? हाँ आशुतोष। यस मैम। कल आप ही स्टोरी सुना रहे थे ना बेटा, बीच में कट गया था। यस मैम। तो आज यस मैम, आज उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। यस मैम। ओके बेटा, मैं म्यूट कर रही हूँ। म्यूट करने के बाद आप स्टार्ट कर। हाँ आशुतोष अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। हाँ बेटा कंटिन्यू करियो, कल जो आपने पेंडिंग छोड़ा था, पेंडिंग किया था, उसको सुनाइए। मैम शुरू से सुना दूँ? हाँ बेटा रिस्टार्ट करिए, ताकि कुछ बच्चे जो नहीं सुन पाए थे वो सुन ले, और बाकी लोग अभी कल्पनाओं को दौड़ाइए, ठीक है। एक शेर था, वो बहुत ही खतरनाक था। उसके उसके जानवर उसके जंगल में सभी जानवर उससे डर कर रहते थे। गुड। हाँ। एक दिन उस शेर ने सब जानवरों से कहा, अब मैं तुम सबको एक एक करके खाऊंगा। तो सब जानवरों ने सोचा, तो ऐसे ऐसे करते करते शेर सब जानवरों को खाता गया। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। वो खरगोश बहुत चालाक था। फिर उसने जानबूझ के शेर के पास पहुंचने में देरी की। फिर वो जब शेर के पास पहुंचा तो फिर शेर ने पूछा, तुम्हें आने में इतनी देरी क्यों हुई? तभी वो खरगोश कहता है कि वो मैं रास्ते में आ ही रहा था, तभी एक थे शेर ने मुझे रोका। फिर बोला कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं कैसे भी बच के आपके पास आया। तभी शेर को बहुत गुस्सा आ गया, बोला कि कहाँ है वो शेर, चलो दिखाओ मुझे। तो खरगोश उसको एक कुएं के पास ले जाता है। कुएं के अंदर पानी बचा था। शेर उसके अंदर झांकता है तो उसे अपनी ही परछाई दिखती है पानी के अंदर। तो वो खरगोश से बोलता है कि तुम तो सच बोल रहे थे। तो बोल रहा है खरगोश की उसके अंदर है, जाइए आप उसे हरा कर आइए। तभी शेर उससे लड़ने के लिए जैसे ही कूदता है, कुएं में उसकी मौत हो जाती है। फिर सब जानवर बच जाते हैं। फिर सभी जानवर खरगोश का शुक्रिया अदा करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। इससे तात्पर्य यही निकलता है कि कभी भी कायरता नहीं दिखानी चाहिए, बुद्धिमानी दिखानी चाहिए, अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, है ना? यस मैम। ओके बेटा, वेरी गुड आशुतोष। प्रियांशु आपको सुनाओगे बेटा? प्रियांशु सिंह अनम्यूट योरसेल्फ। प्रियांशु आपको सुनाओगे? प्रियांशु हाँ बेटा सुनाओ। प्रियांशु क्या बोल रहे बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। yes,
हाँ आपको सुनाओगे? मुझे कहानी नहीं याद। तो फिर कहानी नो नहीं मैम, आती है बेटा, तो आप बना करके तो सुना सकते हो ना। इसी को कहते हैं हार मान लेना। देखो उस लास्ट वाले खरगोश, सारे जानवरों ने हार मान करके खुद को समर्पित कर दिया उस शेर को, लेकिन वो जो लास्ट का खरगोश बचा था अपने आप को हार नहीं माना, और देखो उसने उस जंगल के राजा शेर को भी हरा दिया। आप तो हार मान गए प्रियांशु। तो सीखो, देखो खरगोश छोटा सा जीव है, वो हार नहीं माना और आप हो कि हार मान गए। हाँ प्रियांशु, अभी सोच सोच के रखो, मैं अभी आपको बोलूंगी। वीर, अनम्यूट योरसेल्फ। वीर प्रताप सिंह। यस मैम, यस, हैव यू एनी स्टोरी? ओके, यस सुनाइए। मैम। एक मधुमक्खी थी, वो एक नदी में डूब रही थी। उस नदी के बुक बगल में वाली एक कहानी पेड़ सुना था। रहे हो, ये तो बुक वाली कहानी है। हाँ सुनाओ। पेड़ पे कबूतर बैठा था। कबूतर ने एक पत्ता फेंका, मधुमक्खी उस पर बैठ गई और फिर वो नदी के किनारे आ पहुंची। मधुमक्खी ने कबूतर को धन्यवाद कहा। फिर एक दिन जंगल में एक शिकारी आया, उसने कबूतर को तीर से मारना चाहा, तभी मधुमक्खी आ गई, उसने उसको काट लिया। उस शिकारी का निशाना चूक गया, कबूतर उड़ गया। ओके, गुड बेटा। चतुराई है ना, वेरी गुड बेटा वीर। हर्ष कुमार वर्मा, अनुज जसवेट बेटा। हर्ष, हर्ष कुमार वर्मा। हर्ष अनम्यूटो सर यस बेटा। मैम, हाँ बेटा, आपके पास कोई स्टोरी है? हर्ष, यस मैम। हाँ सुनाइए। मैम, एक अंग्रेज था, वो भारत में आ गया था अकेले। हाँ उसको प्यास लगी थी, तो वे गांव के आदमी से पानी मांगा। प्लीज गिव वन ग्लास वाटर। तो उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था, तो वो कभी टेबल ला के दे रहा था तो कभी कुर्सी। अच्छा, तो उस गांव में एक वो लड़का था, उसको ABCD याद था, तो हाँ उसे ला दी, उसको बुलाए। उसके बाद उसने कहा वन ग्लास वाटर, तो बोला ABCD। तो वैसे ही वो पूछता रहा और वो बोलता रहा जड़ तक। उसके बाद जो अंग्रेज था उसको एक थप्पड़ लगा के चला गया। हाँ, सुनाइए बेटा। मैम खत्म हो गया, छोटा अच्छा, बस एक थप्पड़ सा पा गया। अच्छा चलो गुड, आपने बताया तो सही, सुनाया तो सही। सत्यम सिंह। हाँ बेटा, अनम्यूट योरसेल्फ सत्यम। था। यस हाँ बेटा सुनाइए। अनुज, मैम, एक शेर था और एक चूहा था। हाँ तो एक दिन वो शेर सो रहा था, तो उसी टाइम एक चूहा आके उसके ऊपर खेलने लगा। हाँ तो जब शेर उठा तो उसने बोला कि तुम मेरे ऊपर क्यों खेल रहे हो, और शेर ने उसको भगा दिया। तो एक दिन जंगल में कुछ सत्यम, शिकारी पहले तो आए अपना और कैमरा ऑन करो बेटा। ओके मैम। हाँ, और सुनाइए। उसी टाइम एक शेर और कुछ शिकारी आए और शेर को पकड़ने लगे। और जब शेर को पकड़ने लगे तो और जब शेर को पकड़ने लगे तो वो चूहा आया, और वो जो जिसको वो पकड़ रहे थे उन शिकारियों का नेट
काट दिया जिससे वो पकड़ रहे थे, और तो चूहे ने उसको थैंक यू कहा और वो लोग साथ में दोस्त बन गए। गुड, ओके सत्यम, वेरी गुड बेटा। हाँ अनुज, अनम्यूट योरसेल्फ। अनुज आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। अनुज अपना ईयरफोन सही करिए, नहीं आ रही है बेटा। पीयूष गिरी, पीयूष, अनुज आपका नेटवर्क नहीं है बेटा, थोड़ा सा वेट कर लो। पीयूष गिरी, पीयूष अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ आदित्य कुमार, आदित्य कुमार। यस मैम। हाँ बेटा आपने हाथ उठाया था, कुछ सुनाना है? यस मैम। सुनाइए। मैम एक बार एक चिड़िया थी वो खाना खोज, मैम एक बार ना एक चिड़िया थी वो खाना खोज रही थी ना। कौन? तो उसको बेटा क्या क्या बोल रहे हो? हाँ मैम एक चिड़िया थी, चिड़िया के कारण चिड़िया वो खाना खोज रही थी मैम, तो एक पेड़ पर से उसको ना चना मिला। अच्छा। तो लेकर जा रही थी ना। हाँ। तो जिसमें बैल को नहीं बांधा जाता है। हाँ, हाँ, खूंटे उसी में। उसी का उसका दाना गिर गया। हाँ। तो अब वो लका वो जो लकड़ी नहीं काटते है उसके पास गई, तो कह रही है ना बढ़ई के पास, अब बढ़ई बढ़ई खूटा चीरो खूटा है में डाल। दादी वाली कहानी सुना रहे हो क्या, दादी नानी वाली? Yes, ma'am. हाँ सुना सुना। दाला का खाई का पी का लेके परदेश जाए। तो फिर वो कह रहा है कि जाओ तुम्हारे एक दाल के लिए मैं खुट्टा चीरू, भागोगी कि नहीं? तो फिर वो राजा के पास की, तो कह रही है राजा राजा बड़ाई दाता बड़ाई ना खुट्टा चीरे खूट। हाँ, सुना, सुना, हाँ। दाल खाई का पी का लेके परदेश जाए। तो फिर वो कह रहा है जाओ तुम्हारी एक दाल के लिए मैं बड़ाई को डांटने जाऊ। हाँ। तो वहां से गई रानी के पास, तो कह रहे रानी रानी राजा छोड़ो राजा ना बड़ाई डाल बड़ाई ना खुटा चीरे खुटा मैं दाल बा का खाई का पी का लेके परदेश जाए। तो वो भी कह रहे तुम्हारे एक दाल के लिए मैं राजा छोड़ने जाऊ। तो फिर वो सांप के पास ही कह रहे सांप सांप प्राणी दस रानी ना राजा छोड़े राजा ना बड़ाई डाटे ना खुट्टा चीरे खुट्टा में दाल बा का खाई का पी का लेके परदेश जाए। तो भी डाटी कि तुम्हारे दाल के लिए मैं रानी दस में जाऊ। तो गई फिर लौर के पास के लौर लौर सर पीटो सर पुना रानी दस रानी ना राजा छोड़े राजा ना बड़ाई डाटे बड़ाई ना खुट्टा चीरे खुट्टा में दाल बा का खाई का पी का लेके परदेश जाए। तो मैं ऐसे ही करते करते हाथी के पास गई, तो समुन्दर के पास ही कहे अरे आग के पास ही, तो कही आग आग लौर जारो लौर ना सर्प पीते सर्प ना रानी दसे नी ना राजा छोड़े राजा ना बड़े डाटे। तो ऐसे ही करते करते वो समुन्दर के पास भी गए, तो समुन्दर भी भगा दिया। तो फिर हाथी के पास ही, तो वो भी ऐसे ही करके भगा दिया। तो अब वो चींटी के पास ही, तो चींटी तो हाथी की दुश्मन होती है। हाँ। तो ऐसे ही सारी बात बता दी चींटी को ना। हाँ। तो वो जा रही थी हाथी के सूंड में काटने। हाँ। तो कह रहे हैं हाथी
हमको मारे उरे मत कोई, हम समुंदर सुख ले तो समुंदर कह रहा हमको सुखे ओके मत कोई, हम आग बुताए तो वैसे याग भी कह रहे थे, हमको बुताए उताए मत कोई, हम लौट जा रहा तो वैसे वो करते करते फिर सर्फ के तलर सर्फ तो सर्फ कराए, हम मारे उरे मत कोई, हम रानी दस तो फिर रानी कह रही है मैं को डस से मत कोई, हम राजा छोड़ तो राजा कह रहे हैं हमको छोड़े उड़े मत को, हम बड़ाई डांट हम तो बड़ाई कह रहा है हमको डांटे उते मत कोई, हम लो अरे हम खूटा चीर तो खूटा कह रहा है हमको चीरे उड़े मत को, हम खुद फाड़म तो अपने आप फाट गया और चिड़िया अपना दाना लेकर उड़ गई। वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड। इतनी लंबी स्टोरी आपने लर्न कर लिया है, हाँ गुड आदित्य। दादी माने सुनाया है, हाँ ये दादी नानी ही लोग सुनाती हैं बेटा, इस टाइप का बहुत पुराना स्टोरी है। ओके गुड आदित्य, आपने इतना मेहनत किया। आयुषी ओझा, आयुषी ओझा, आयुषी ओझा। यस मैम। हाँ बेटा आपके पास कोई स्टोरी है? यस मैम। हाँ सुनाइए। मैम एक बार एक ग्रास ऊपर था और मैम एक बार एक क्या कहते मैम चीटी थी, तो मैम जो चीटी थी वो गर्मियों में ना हमेशा खाना इकट्ठा करती रहती थी और जो ग्रास ऊपर था वो आराम से बैठ के गिटार बजाता रहता था। गिटार बजाता रहता था? जाती थी चीटी। हाँ अच्छा। तो मैम जब चीटी जाती थी तब उसको परेशान किया रहता करता था, हाँ। क्या चीटी इकट्ठा करके क्या करोगी, और आराम से गर्मियों के दिन में ग्रास खाता रहता था और गिटार बजाते रहता था, और चीटियां जब अपना खाना इकट्ठा करती थी तो उनको तंग किया करता था और परेशान किया करता था, हाँ। तो फिर मैम जब ठंड का मौसम आने लगा तो मैम जो ग्रास ऊपर था उसको ठंड लगने लगी मैम, और ग्रास जो होते हैं उस पे भी पूरा शीत पड़ने लगा, तो मैम वो क्या कहते हैं वो ग्रास भी नहीं खा पाता था, तो एकदम छिठूर के एकदम मैम पतला चिट्ठा हो गया था मैम, उसको एकदम खाने की जरूरत थी, और मैम वो जो ठंड के दिन में खाना इकट्ठा नहीं किया था तो मैम कुछ खाने के लिए कुछ नहीं था, तो मैम तो चीटियां खाना इकट्ठी की थी तो चीटियों के पास गया, तो मैम चीटियां बोली कि क्या हुआ तुम तो हमारा मजाक उड़ाते थे फिर क्यों हमारे पास आए, तो बोल रहा है मुझे प्लीज रख दो प्लीज रख दो, मैम तो चीटियों का दिल उतना बड़ा था कि उन्होंने अपने महाराज से बुला के उसको रख लिया, फिर मैम क्या हुआ ना कि चीटियां रख ली ना तो फिर वो चीटियों का शुक्रिया किया और फिर अगली ठंडी वो भी मिलके उनके साथ खाना इकट्ठा किया। वेरी गुड आयुषी। और मैम एक और कहानी है। हाँ हाँ सुनाइए। मैम एक और कहानी है। सुनाइए सुनाइए। मैम एक बार पूरी चीटियों का ग्रुप था मैम, मैम उन लोग अपना घर बनाती थी और एक चुनू नाम का लड़का था उनका घर बार बार तोड़ देता था, मैम उन लोग बार बार बनाती थी वो बार बार जाके पैर से तोड़ देता था, मैम उन लोग एकदम परेशान, एक बार अपने राजा के यहाँ गई तो मैम राजा ने बोला कि परेशान मत हो परेशान मत हो, बताओ मुझे अपनी समस्या बताओ बताओ बताओ, मेरे रहते तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बताओ बताओ अपनी समस्या बताओ, क्या बताए राजा एक लड़का है हम जब भी घर बनाते हैं वो तोड़ देता है, तो हम क्या करें, हम तो उससे थक गए हैं परेशान हो गए, थको ना मेरे पास एक सुझाव है, फुस फुस फुस। और फिर एक बार चीटिया जब घर बनाई मैम तो फिर चीनू आया उसको तोड़ने गया तो मैम उसका पैर ही सट गया क्योंकि उन लोग फेविकोल बनाई थी, फिर वो उन लोग से माफी मांग के गया कि आज के बाद कभी नहीं तोड़ूंगा। वेरी गुड आयुषी, बहुत अच्छा। और ये दीपित गुप्ता, दीपित गुप्ता दीपित अनम्यूट योरसेल्फ, दीपित। वैष्णवी सिंह। यस मैम। हाँ बेटा आपके पास कोई स्टोरी है? यस मैम। हाँ सुनाइए।
एक टोपी वाला था, वो दूसरे गांव में टोपी बेचने जा रहा था, तो बीच में एक बहुत बड़ा जंगल पड़ा, तो उसको उसके पैर थक गए थे, तो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वहां पे बहुत सारे बंदर थे, तो उसकी टोपिया को पहन के फिर ऊपर पेड़ पे चढ़ गए। तो टोपी हाँ सुनाओ बेटा, वैष्णवी सुनाइए। जब वो टोपी वाला उठा तो हाँ। उसने देखा कि उसकी टोपी खाली है, तो उसने ऊपर पेड़ पे देखा तो सारे बंदर उसकी टोपिया पहन चुके थे। जब उसने टोपी अपनी उछाली तो सारे बंदर उछाल के पहन लिए। फिर जब उसने अपनी टोपी नीचे फेंकी तो सारे बंदर अपनी टोपिया नीचे फेंक दिए। अच्छा नकलची बंदर ना, गुड बेटा वैष्णवी, वेरी गुड। निर्भय निर्भय अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। अनामिका अनामिका यस मैम, बेटा आपको गुड मॉर्निंग बेटा, आपको स्टोरी सुनाना है। यस मैम हाँ सुनाइए। मैम एक तालाब में एक बत्तख रहता था। बत्तख ने अपने दो बच्चे को जन्म दिया, जिसमें से एक बच्चा यस मैम अच्छा एक व्हाइट था और एक ब्लैक था। तो ब्लैक वाले को सब कोई चिढ़ाता था, तो और उसका भाई भी चिढ़ाता था। तो ब्लैक वाला ने रात क्या किया, उसने दूसरे तालाब में चला गया। दूसरे तालाब में भी सब कोई इसको चिढ़ाता था। फिर जब एक तीसरे तालाब में गया, तीसरे घर में गया, तो उसने देखा कि उसने भी सबको इसको चिढ़ाने लगा। तो फिर दोबारा वो अब रो के एक जगह रो रहा था, तो उसकी माँ उसको खोजते खोजते आई, तो बोली कि तुम रो मत, चलो अब मैं हम दोनों एक साथ रहेंगे, अब तुमको कोई नहीं चिढ़ाएगा। और वो दोनों एक तालाब में जाके साथ रहने लगे। और गुड वेरी गुड आयुष अरामिका, थैंक यू मैम, थैंक वेलकम बेटा। हाँ अनुज अनम्यूट योरसेल्फ, अनुज देखो तो ईयरफोन सही हुआ है? अनुज 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 क्या हुआ? यशराज थोड़ा सा वेट कर लो बेटा। अनुज क्या हुआ? अनुज आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, खरखराहट की आवाज आ रही है। हाँ यशराज अनुज आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है बेटा। यशराज गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। हाँ स्टोरी सुनाना है बेटा। यस मैम सुनाइए। आयुषी थोड़ा सा वेट कर लो। हाँ यशा सुनाइए। मैम एक बुढ़िया थी और उसके दो नौकर थे। आयुषी हैंड्स डाउन बेटा। हाँ और उस बुढ़िया के एक मुर्गा थे। हाँ एक बुढ़िया की एक मुर्गी थी। अच्छा बुढ़िया के पास एक मुर्गी थी। हाँ जो सुबह 4 बजे कुकड़ू को करती थी तो बुढ़िया उठ जाती थी। हाँ, बांग बांग देती थी। हाँ और नौकर को भी उठाती थी। हाँ उस वो रोज उठते उठते परेशान हो गए नौकर की, हम लोग जल्दी उठते हैं, तो उसने सोचा कि मैं मुर्गी को मार दूँ। तो फिर एक दिन उसने मुर्गी को मार दिया। मैम फिर वो सोए तो उस बुढ़िया को मुर्गी की आवाज नहीं आ, और उससे जल्दी बुढ़िया कभी भी उठ जाती थी और नौकर को भी जल्दी उठा देती थी, इसलिए नौकर परेशान हो गए। गुड वेरी गुड। मुर्गी को मार दिए थे और परेशान हो गए। हाँ जल्दी उठ जाते थे, जल्दी उठ जाती थी बुढ़िया, तो जल्दी उठा देती थी, वैसे तो 4 बजे ही उठता था नौकर। गुड बेटा। अभिज्ञान अभिज्ञान हाँ बेटा
आपको सुनाओगे? मैंने कल सुनाया था। अच्छा, आपने सुनाया था कल, आपने खाना खाया था ना, लंच भी किया था, डिनर भी किया था, ब्रेकफास्ट भी किया होगा, तो फिर आज क्यों करोगे बताओ? आज भी लंच करोगे, ब्रेकफास्ट भी करोगे? कल तो टूटा फूटा स्टोरी सुनाए थे, आज भी सुनाओ कुछ। सुनाना है? यस मैम। सुनाइए। आयुषी थोड़ा सा वेट कर लो बेटा, हैंड्स डाउन। हाँ मैम, एक लड़की थी, वो मटके में पानी लेके जा रही थी और वो सपने में सोच रही थी कि मेरे पास एक मुर्गी होती, वो सोने का अंडा देती, उसे मैं बेच के कपड़े खरीदती। तो ऐसे ही वो सोचते सोचते जा रही थी, तो कपड़े खरीदती, फिर शादी होता है ना, और तब तक पत्थर से टकराई और मटका भी गिर के फूट गया और उसका सारा सपना भी चूर हो गया, चूर चूर हो गया। हाँ ओके, गुड अभिज्ञान। आरोही, आपको कुछ सुनाना है? आरोही सिंह, आरोही सिंह, आरोही, शिवांश तिवारी, शिवांश अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, शिवांश तिवारी, शिवांश, विवेक यादव, शिवांश एंड विवेक, अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। विवेक, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ सुनाइए स्टोरी विवेक। यस मैम। मैम, एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी, वह पानी के तलाश में भटक रहा था। तभी उसे एक घड़ा दिखाई दिया, उस घड़े में पानी कम था। उसने इधर उधर देखा तो एक पत्थर दिखाई दिया, उसने पत्थर पानी में डालना शुरू किया। डालते डालते पानी पूरा ऊपर हो गया, पानी ऊपर, अपना प्यास बुझाकर अपने चला गया। वेरी गुड अनुज। हाँ बेटा, आप परेशान थे, कुछ हुआ, कुछ सॉल्यूशन निकला आपका? यस मैम, मैम अपनी दीदी की लीड लेके आया हूँ। हाँ, लीड में प्रॉब्लम थी, पहले भी खरखराहट आती थी, अब बिल्कुल नहीं आ रही है। हाँ सुनाइए। यस मैम, मैं वो एक लास्ट लीव वाली कहानी सुनाऊंगा। हाँ सुनाइए। दो लड़कियां थी, मतलब ये नहीं, एक शहर था जिसमें बहुत ज्यादा पहले पेंटिंग करने पे बहुत सारे पैसे मिलते थे। पर अब वहाँ पर ज्यादा पेंटिंग नहीं होती थी, नहीं तो पहले वहाँ पर अपनी दीवारें भी खुद लोग भी बना लेते थे, पेंटर की काम ही नहीं था। ऐसे ही दो लड़कियां थी, उन्हें अभी जब तक जब कोई बनाता भी नहीं था तभी भी वो बनाती थी और थोड़े कुछ पैसे चला के वो रहती थी। और उनके साथ एक वो बूढ़े दादा जैसे, उनका वो कुछ नाम था, ये नहीं है पता, बहुत जो भी हो दादाजी। हाँ, वो भी ड्राइंग में बहुत अच्छे थे। अच्छा अच्छा। एक दिन जो उसकी दूसरी दोस्त थी, उसे पता नहीं बीमार हो गई वो। वो कह रहे थे, डॉक्टर कह रहे थे कि अगर इसे थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो ये नहीं बच पाएगी। अच्छा। तो उसके उसके जब उसके दोस्त ने उसकी परेशानी पूछी तो वो कह रही थी, देखो मेरे खिड़की के बाहर ये जो ये ट्री है उसमें सिर्फ 7 ही पत्ते बचे हैं, अगर ये आखिरी पत्ता भी गया तो मैं वो उसकी दोस्त उसका मुंह बंद कर दी, तो कही कि ऐसा नहीं होगा। एक दिन ऐसे ही वो बूढ़े दादा बहुत थक के एक जगह बैठे थे, बारिश हो रही थी, तो वही लड़की आई जो उनकी दोस्त थी, उसने पूछा
कि क्या हुआ, आप इतने थके हुए क्यों हैं? तो उसने कहा कि मैंने बस चेयर, वो जो पास वाली गली है उसमें की चेयर पेंट की है। तो कह रही थी उतनी सारी चेयर अपने पेंट कर दी, क्योंकि उस गली में 20 चेयर थी। अच्छा। और वो भी जो बैठते नहीं है लकड़ी की, बहुत लंबी सी होती है, सोफे जितनी, वही वाली 3 सीटर। और वही वाली एक दिन ऐसे ही बहुत तेज बारिश हो रही थी और उस पत्ता भी आखिरी बचा था, और जो लड़की थी वो भी बहुत परेशान थी, और वो बूढ़े दादा भी वहीं पर बैठे थे क्योंकि उनके पास छाता नहीं था। तो वही उसने, उस लड़की जो उसकी दोस्त रहती है बूढ़े दादा की, उसने बताया कि मेरी जो दोस्त है उसको बस इस वाले आखिरी लीव की है, वो चिंता है अगर वो गया तो वो शायद फिर बंद कर दिया उसका मुंह बूढ़े ने भी। और फिर ऐसे ही बहुत तेज ओले नहीं बरसते हैं बड़े बड़े वाले, वही बरसे। और वो बूढ़े दादा ने उसे कहा था कि अगर हम हैं तो दम है। ऐसे ही उसने एक दिन जो वो आखिरी पत्ता था ना, तो उसने अपना गेट बंद कर दिया, और वो बूढ़े दादा ने बताओ क्या किया था कि उसका पत्ता सुबह में देखी तो वो पत्ता, एक पत्ता नहीं टूटा था। अच्छा। लेकिन वो पत्ता टूट चुका था, और वो जो बूढ़े दादा थे ना उतनी तेज बारिश में भी, मतलब वो पहले भी कहे थे कि मुझे ड्राइंग बनाने से कोई नहीं रोक सकता, उतनी तेज बारिश में भी उन्होंने उस पत्ते का वो ड्राइंग बना के उसकी विंडो के बाहर रख दिया, और वो पत्ता उड़ चुका था। और वही ड्राइंग बाद में उसने बहुत तेज, वो बूढ़े दादा को बुखार हो गया और ऐसे ही उनकी डेथ हो गई। और एक दिन जब वो ठीक हो गई तब उसकी दोस्त ने बताया कि ये जो आखिरी लीव है वो लीव नहीं है, वो उन्होंने ड्राइंग बनाई थी। तो हाँ, तो उनकी डेथ हो गई थी, तो वो भी बहुत दुखी हो गई जब वो ठीक हो गई थी, तो उसे खुशी थी कि एक पत्ता बच गया है, तो उसे खुशी हो गई थी। और जब उसने बताया कि उनकी डेथ हो गई है, वो भी उनके दोस्त थे, तो लास्ट लीव की ऐसी कहानी होती है। तो वो दोनों फिर से उनकी चतुराई देख के सब लोग फिर से वहां पर ड्राइंग बनाने लगे, अपनी दीवारें खुद पेंट करने लगे, आर्टिस्ट जैसी वो हो गई थी। तो और उन लोगों को अच्छे से रहने को भी मिल गया। और वो कह रही थी कि उन्होंने कहा था ना अगर मुझे कोई ड्राइंग बनाने से रोक नहीं सकता, तो वैसे ही उन्हें बारिश भी नहीं रोक पाई थी। जो मन में ठान ले, हाँ, जो मन में ठान लिए थे वो करके करे, है ना, करते थे। वेरी वेरी गुड बेटा। ये शमशेर राजपूत कौन है बेटा? शमशेर कौन है? अनम्यूट योरसेल्फ शमशेर। हुई शमशेर, अनम्यूट योरसेल्फ शमशेर। शमशेर राजपूत, अनम्यूट योरसेल्फ। शमशेर, सिमरन, अंशित, अनम्यूट योरसेल्फ अंशित। यस मैम। कुछ सुनाना है आपको? मैम पर एक तो चीज पूछना भी है। हाँ पूछो। चिड़िया ने अपना नीर और नीड में अंतर क्या है? नीड और नीर। आ? बैल और बैल। ये तो कंफ्यूजन दूर हो ना अंशित आपका। नीड, नीड मतलब घोंसला होता है और नीर मतलब जल या पानी होता है। ये तो कंफ्यूजन दूर हुआ अंशित। यस मैम। हाँ और क्या पूछ रहे थे आप? नीर मतलब घोंसला और बैल और बैल था एक तो। बैल बैल तो एक जीव पशु है ना। बैल बैल पशु होता है, है ना? नीर तो क्या था? बैल मतलब पशु होता है, एक पशु था। और एक बेल होता है, बेल मतलब लता। बेल मतलब लता। अच्छा। ओ, मैं बुक में लिखा था ना तो मैं कंफ्यूज हो रहा था कि क्या होता है इसका। हाँ ये बेल मतलब लता होता है, ये बैल है एक प्रकार का पशु, और नीड मतलब घोंसला, जो चिड़िया के साथ नील का, नीड का प्रयोग होगा। बैल जानते
और बेल नहीं जानते थे। हाँ ये बेल है चिड़िया के साथ नीड का और बेल, बेल मतलब लता। कंफ्यूजन दूर हुआ? यस मैम। अच्छा चलो और कुछ पूछना है आपको अंशित? नो नो मैम। मैम एक तो हाँ एक और है। हाँ बोलो। एक और है यहाँ पे तो पेज नंबर 84 इसमें है ना मैम, पेज ग्रामर बुक में पेज नंबर 84। हाँ बोलिए। हाँ 84 है मैम। उसमें कुछ बादल और तारे बने उसका क्या होगा? मंडल, तारों के समूह को हम मंडल कहते हैं। ये तारों का समूह है ना, कई सारे तारे लगे हुए हैं। अरे उसमें बादल थे तो मैं कंफ्यूज हो गई। नहीं नहीं क्लाउड, आसमान में तो तारे होते हैं ना। यस मैम। आसमान में तो तारे और बादल होते हैं ना, तो यहाँ तारों का समूह दिखाया गया है, बहुत सारे तारे हैं, तो तारों के समूह को हम मंडल कहते हैं। लिखे तो हैं पर समझ नहीं आ रहा था, बादल भी और तारे भी। ओके वेरी गुड अंशित, मुझे अच्छा लगा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो बाकी लोग भी पूछा करो कुछ। और कुछ पूछना है? समझ नो मैम। किसी को? तो हमारा ये जो है ना कहानी लेखन, हाँ वीर अनम्यूट योरसेल्फ। वीर कुछ पूछना है बेटा? यस मैम। ये मैम लता क्या होता है? लता, लता अच्छा पतली पतली लताएं होती हैं, जैसे आप देखे होंगे क्रीपर्स होते हैं मैम, जो दीवार के सहारे चढ़ती हैं। हाँ, एक दो क्रीपर्स होते हैं जो के या, है, फैल करके दीवार पर हम लोग वो लौकी वो कोहरा लगाते हैं, वो क्रीपर्स फैलने वाली लताएं होती हैं। ठीक है तो और एक सपोर्ट के सहारे चढ़ती हैं, कुछ कुछ लताएं ऐसी होती है जो सपोर्ट के किसी सपोर्ट होती है, डंडे के सहारे बाल के सहारे वो पतली पतली लताएं होती है, वो चढ़ती रहती है। हाँ हाँ और कुछ? नो मैम। क्लाइंबर, हाँ एक क्लाइंबर होता है, क्रीपर होता है, एक चढ़ने वाली लताएं होती हैं और मनी प्लांट भी होता है। हाँ बेटा हाँ हाँ मनी प्लांट भी होता है। वो क्लाइंबर्स हैं, वो चढ़ने वाली लताएं वो भी क्लाइंबर है। हाँ हाँ क्लाइंबर है मैम, वो दीवार के सहारे ऊपर चढ़ जाती है। सपोर्ट क्लाइंबर्स के लिए सपोर्ट सपोर्ट होनी चाहिए और क्रीपर्स के लिए नीचे फैलती है। नहीं तो वो हाँ वो नीचे इस तरफ फैलती हाँ, जाती है पूरा आगे तक। और किसी को कुछ पूछना है? ये जो हमारा लेसन, किसी को कुछ पूछना है बेटा? नो मैम। हमारा ये कहानी लेखन फिनिश हो रहा है, ये कहानी ही है। आइए देखते हैं थोड़ा सा हम लोग सर से निगाह से पेज नंबर 87। पिक्चर्स दी हुई है हमको, स्टोरी बनाना है। हालांकि किसी बच्चे ने ये स्टोरी सुना भी दिया है तो इसको हम एक तरह से बता भी दूं। देखो पिक्चर्स दिए हुए हैं, नदी के किनारे, नदी के किनारे एक पेड़ है जिस पर एक कबूतर बैठा हुआ था। ठीक है, एक दिन एक मधुमक्खी नदी में गिर गई, है ना, एक दिन एक मधुमक्खी नदी में गिर गई और उसके पंख जो है ना टूट गए। ठीक है, नहीं उसके पंख गीले हो गए, नदी में डूब रही थी, उसके पंख गीले हो गए, वह उड़ नहीं पा रही थी। ठीक है, कबूतर ने तो उड़ नहीं पा रही मधुमक्खी को देखा कि वह मधुमक्खी छटपटा रही है पानी में गिर करके और छटपटा रही है, वह उड़ नहीं पा रही है, उसके पंख गीले हो गए हैं। तो उसने पेड़ पर से, पेड़ पर ही वो कबूतर बैठा हुआ था, पेड़ पर से एक पत्ता तोड़ता और नीचे मधुमक्खी के पास गिरा देता है। मधुमक्खी जो मधुमक्खी के पास जैसे गिराता है, मधुमक्खी उस पत्ते के पास या पत्ती पर चढ़ जाती है और